बिना किसी विजेता के ये खेल खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब जितने भी पेरेंट्स बच गए हैं उनके नाम के चिट्स निकालकर उनके साथ इस गेम को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हमें एक क्लियर विनर मिल सके। तो ये है अगला चिट मेरे हाथ में, देखती हूँ किसका नाम है। अगले पेरेंट्स हैं सभी के पेरेंट्स। अजीब हो जाएगा और प्लीज सभी को समझा दो कि ऐसा नहीं हो सकता। अरे आई कैसे हो रहा ना? नहीं बाड़ा, हम ना इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ आई पापा, आप ये क्यों नहीं कर सकते? आपको जीत के मुझे ये क्राउन दिलाना ही पड़ेगा। मुझे वो क्राउन चाहिए 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 मुझे। बर्थडे है ना, मुझे वो चाहिए चाहिए मुझे। सभी जिद नहीं करते, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो सोच समझ के बोल रही होंगी ना। बड़े सोच समझ के बात समझाते हैं, समझनी चाहिए। आप अभी बच्चों, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पापा मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे आई बाबा का हम जीतने आया है। अरे कौन मेरे आई बाबा है? अभी मेरे आई बाबा हो ना, तो आप ही तो खेलोगे। पापा मुझे पुतले देना, मुझे बच्चे गिफ्ट में क्या चाहिए? मुझे वो क्राउन चाहिए। प्लीज पापा मेरा बर्थडे है और मैं क्लाउन के बिना कैसे प्रिंसेस बनूंगी? जीत के ये गेम मुझे क्लाउन दिला दो ना, प्लीज पापा। आई मुझे वो क्लाउन चाहिए, मुझे दिला दो ना। सभी प्लीज, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? देखो मैं मानती हूँ कि विराट और मैं आपके बाबा हैं, आपकी आई हूँ मैं, लेकिन हम बाकी कपल्स की तरह नहीं है ना, हम अलग हैं, है ना? तो हम इस गेम में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, है ना? नहीं कर सकते ना? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? प्रिंसिपल मैम की जीत में मेरे आई पापा का नाम आया है। आप ही मेरे आई पापा हो ना, आई कोई तो नहीं है ना, तो आप ही गेम खेलोगे ना, प्लीज। आई देख रही हो, यहाँ मुझसे एक नहीं संभल रही है और हमारे चौहान साहब दो दो बीवियाँ संभाल रहे हैं और साथ में दो दो बच्चे भी। आप भी ना मजे हैं चौहान साहब के, एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में बर्फी। सही, कर लेते हैं पार्टिसिपेट। विराट तुम्हें क्या कह रहे हो, करना क्या चाहते हो तुम? मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। अब अगर उसने जिद पकड़ ली कि उसे वो क्राउन चाहिए, वो टियारा चाहिए, तो बस उसकी जिद पूरी कर रहा हूँ।
बाकी मैंने अपने बच्ची का बीता हुआ बचपन नहीं देखा है, लेकिन अब उसकी हर जिद पूरी करना मेरी जिद है, इसलिए प्लीज इसका और कोई मतलब मत निकालना, प्लीज। सही, प्लीज सभी के लिए। साथ खेलेंगे मिस्टर चव्हाण और उनकी एक्स वाइफ। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज हमें सभी के बाबा और सभी की आई से एड्रेस करेंगे प्लीज? माफ कीजिए। ओके, तो गेम स्टार्ट करें। तो मेरा पहला सवाल है सभी की आई से, आप सभी के बाबा को किस निकनेम से बुलाते हैं? खड़ूस जासूस, मुझे सही जवाब नहीं देना चाहिए। आई आपको जितना है, आपको मेरे लिए जितना बनेगा, प्लीज आई। मुझे वो क्लाउन चाहिए। सभी वो लोग कैसे जीतेंगे? बाबा को तो मेरी मामा के बारे में ही सब कुछ नहीं पता, तो उनको डॉक्टर आंटी के बारे में सब कुछ कैसे पता होगा? मुझे तो लगता है इनके सारे आंसर्स रॉन्ग होंगे। खड़ूस जासूस। खड़ूस जासूस, नाइस नेम। तो चलिए अब देखते हैं सभी के बाबा ने क्या लिखा है। सही जवाब। सभी, डॉक्टर आंटी ने बाबा का निकनेम कब रखा? मुझे तो पता भी नहीं था कि बाबा का कोई निकनेम है। लेकिन मेरी आई को सब पता होता है, वो डॉक्टर है ना, इसीलिए। तो मेरा अगला सवाल है, सभी के बाबा की फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? ग्रीन टी। दिखाइए। सही जवाब। देखा, मेरी आई को सब पता है और वो भी मुझे लिंडी में हनी मिला के देती है, लेकिन वो मुझे कॉफी नहीं पीने देती क्योंकि मैं टोटी हूँ ना, इसलिए। तो मेरा अगला सवाल है, सभी के बाबा का फेवरेट फूड कौन सा है? फ्राइड मोदक। सही जवाब।